तो अब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है और हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे न्यूमरोलॉजी सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के साथ। जैसे हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डिटेल्स डालते हैं तो हमें रिजल्ट आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे नेम डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, मोबाइल नंबर और जेंडर। जी सर, जैसे ही हम यहाँ पे हमने डिटेल्स डाली है, हमारे पास सेंटर में ग्रीन बटन एक्टिवेट हो गया है और हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटर में ग्रिड आ जाती है जो कि हमारी लोशु ग्रिड है, जो रिप्रेजेंट करती है हमको ड्राइवर नंबर 2 के साथ, जिसे हम मूलांक कहते हैं। भाग्यांक है यहाँ पे हमारे पास नंबर 5। और यहाँ पे हमारे पास लक फैक्टर आता है 60% एंड नेम नंबर आता है हमारे पास 1। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नेम नंबर जो हमारे पास ग्रिड में मेंशन्ड है वो एक स्टार के साथ मेंशन्ड है, और जो कुआ नंबर है वो 7 है यहाँ पे, वो एक सर्कल के अंदर मेंशन्ड है। यहाँ पे हमारा जो मूलांक है वो है 2, वो ब्लू कलर में है, और भाग्यांक है 5, वो ग्रीन कलर में है। बाकी जो जो नंबर्स आपके मिसिंग है वो यहाँ पे मिसिंग की कैटेगरी में आते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम टॉप पे देख सकते हैं पंच लाइन। पंच लाइन में हमारा जो मूलांक और भाग्यांक के सेट के साथ हमारी एक पंच लाइन बनती है जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है, वो चीज यहाँ पे मेंशन्ड होती है। उसके बाद हमारे पास मूलांक, भाग्यांक, लक फैक्टर, नेम नंबर, ये सब चीजें मेंशन है। राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्लेन। इंटेलेक्चुअल प्लेन बनता है हमारा 4, 9 और 2 से, जो कि यहाँ पे 66% है 9 और 2 के होने की वजह से। स्पिरिचुअल प्लेन बनता है 3, 5 और 7 से, जो कि यहाँ पे हमारे पास 66% है 5 और 7 की वजह से। थॉट प्लेन ना यहाँ पे हमारे पास 8, 1 और 6 से बनता है। मटेरियल प्लेन यहाँ पे हमारे पास 66% है, जो कि 8 और 1 से बनता है। थॉट प्लेन हमारे पास 33% है, जो कि 8 से बनता है, सिंगल नंबर 8 जो कि यहाँ पे हमारे पास है, वो 33% रिप्रेजेंट करता है। विल प्लेन हमारे पास यहाँ पे 100% है, जो कि 9, 5 और 1 से बनता है, जो कि यहाँ पे 100% एक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास एक्शन प्लेन है, जो कि 66% है, जिसका 2 और 7 से इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी प्लेन है 2, 5 और 8, ये 100% यहाँ पे कंप्लीट है। और लक प्लेन है 33%, जो कि सिर्फ 5 की वजह से यहाँ पे हमारे पास है। तो इस तरीके से हमारे लोशु ग्रिड में 8 प्लेन्स बनते हैं, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोर रिजल्ट्स का ऑप्शन आता है, जैसे कि ड्राइवर डिटेल्स, कंडक्टर डिटेल्स, मूलांक की डिटेल्स, भाग्यांक की डिटेल्स, मोबाइल नंबर डिटेल्स, एरोज ऑफ स्ट्रेंथ, शॉर्ट एरोज, वीकनेस एरोज, मिसिंग नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स, नेम नंबर, लकी प्रोफेशन, लकी कलर्स, लकी डेज, अवॉइड प्रोफेशन, अवॉइड कलर्स, अवॉइड डेज, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे। फिर रेमेडीज आ जाती है यहाँ पे हमारे पास, इंडियन वैदिक बूस्टर्स, फेंग शुई रेमेडी और एक्सपर्ट एडवाइस। ये सारे हमारे मॉड्यूल्स हैं जो हमको सॉफ्टवेयर के अंदर मिलते हैं। अब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे एक एक मॉड्यूल से, और आपको एक डिटेल्ड डीप व्यू देंगे कि किस मॉड्यूल से आपको क्या मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास मूलांक की डिटेल्स आ जाती हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मूलांक है हमारी ग्रिड के अंदर, जो कि है नंबर 2। कौन से प्लैनेट से ये रिप्रेजेंट होता है, क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी यहाँ पे मेंशन्ड है। मूलांक से हमारी लाइफ में, मूलांक 2 होने की वजह से हमारी लाइफ में क्या क्या असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में आने वाले चेंजेस, अब तक के चेंजेस, अब तक की हमारी लाइफ कैसी रही है, आने वाली लाइफ हमें किस तरह से अडेप्ट करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डिटेल्स करेक्टर्स की, बेस्ट मैचेस, नेगेटिव मैचेस, एवरेज मैचेस, तीनों चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। ये करेक्टर्स की डिटेल्स हैं।
सारी डिटेल्स आपको इसमें मिलती हैं। ये लगभग 5 से 6 पेजेस का पीडीएफ का डाटा है, जब आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, सिर्फ मूलांक का आपको 5 से 6 पेज का पीडीएफ का डाटा मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास भाग्यांक है, जो कि यहाँ पे नंबर 5 है। नंबर 5 के होने से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या इफेक्ट है, कौन सा प्लैनेट से ये चलता है, वो सब चीजें मेंशन है। क्या क्या उसके गुड मैच हैं, बेस्ट मैच है, एवरेज मैच है, तीनों चीजें मेंशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है। जिस तरीके से आपने भाग्यांक के अंदर सारी डिटेल्स देखी है, उसी तरीके से मूलांक के अंदर भी सारी डिटेल्स है। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी। जो हमने यहाँ पे नंबर एंटर कराया है उसका टोटल सम क्या है, उसके नंबर के सम के बाद उसमें कौन से नेगेटिव नंबर्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। कौन से उसमें ट्रिपलेट्स हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है हमारे पास एरोज ऑफ स्ट्रेंथ। हमारे पास जो हमने एरोज देखे, प्लेन्स देखे बाहर, उसको हम यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन में लेते हैं। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्लेन 66%, 902 की वजह से, इस तरीके से सारे प्लेन्स का डिटेल्स है। जो प्लेन आपका 100% कंप्लीट है, उसकी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि विल प्लेन के बारे में। डिटर्मिनेशन प्लेन, प्रॉपर्टी प्लेन के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट एरोस। आपकी लाइफ में जो शॉर्ट एरोस हैं, जैसे कि 9 है, 7 है, 1 है, ये आपकी लाइफ में किस तरीके से एरोज ऑफ साइंस, एरोज ऑफ पीस ऑफ माइंड आपकी लाइफ में कैसे इंपैक्ट डालते हैं, वो चीजें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है एरोज ऑफ वीकनेस। 100% कोई भी अगर आपका एरो मिसिंग होता है तो वो एरो ऑफ वीकनेस में आता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, कोई ना कोई हमारा प्लेन, कोई ना कोई हमारा एरो 33%, 66% और 100% की कैटेगरी में है। ऐसा कोई भी हमारा प्लेन नहीं है जो कि 0% हो, इस वजह से यहाँ पे ये ब्लैंक आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे मिसिंग नंबर्स। आपकी ग्रिड में कौन कौन से नंबर्स मिसिंग है, जिसकी वजह से आपको लाइफ में इंपैक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। मिसिंग नंबर 3 का अलग इंपैक्ट आपकी लाइफ में है, मिसिंग नंबर 4 का अलग इंपैक्ट आपकी लाइफ में है, और मिसिंग नंबर 6 का अलग इंपैक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ता है, वो सारी चीजें मेंशन है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जिस क्लाइंट की आप यहाँ पे ग्रिड चेक कर रहे हैं, उनके घर में वास्तु दोष कहाँ है। मिसिंग नंबर हमें ये बताता है कि उनके घर में कोई उस डायरेक्शन में वास्तु दोष है। जैसे हम यहाँ पे बात करें ईस्ट के बारे में, जो कि नंबर 3 से हमें लोशु ग्रिड में मिलता है, अगर हमारी ग्रिड में नंबर 3 मिसिंग है, तो आप यहाँ पे लास्ट में एक लाइन देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर आपको गाइड करता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वास्तु दोष इन द ईस्ट ऑफ योर हाउस। आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष रहा होगा। मिसिंग नंबर 4, मिसिंग नंबर 4 हमें ये बताता है कि आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष रहा होगा। मिसिंग नंबर सिक्स हमें ये बताता है आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ वास्तु दोष रहा होगा। वास्तु दोष के साथ साथ आपकी लाइफ में क्या क्या ये इम्पैक्ट डालते हैं, वो सारे नंबर्स भी आपको बताते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिपीटिंग नंबर। कौन सी ग्रिड में हमारे पास कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि 1 times 1, 2 times 2, 2 times 5, 1 times 7, 1 times 8, 2 times 9, ये सारे नंबर्स आपकी ग्रिड में कितनी बार रिपीट हो रहे हैं और उस कितनी बार रिपीटेशन से आपकी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी में आपके पास यहाँ पे न्यूमरोलॉजी सॉल्यूशन आ जाता है कि आपका जो करंट नेम है वो यहाँ पे 1 पे है, और अगर आपको नेम रेमेडी देनी है तो आपको नेम को शिफ्ट करना चाहिए 5, 6 या 1 पे।
ये एक जर्नल लाइन होती है जो हम सारे क्लाइंट्स को देते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं आपके पास इंडेक्स अवेलेबल है। इस इंडेक्स के थ्रू भी आप अपने क्लाइंट को नेम रेमेडी दे सकते हैं। साथ ही में आपके पास यहाँ पे चेक नेम कैलकुलेटर है। जैसे ही आप यहाँ पे चेक नेम कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं आपके पास नेम रेमेडी के लिए ओपन हो जाता है। कैलकुलेटर है ये हमारे सॉफ्टवेयर का। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं सर का नेम जा रहा है यहाँ पे 1 पे और सर के पास मिसिंग नंबर है 6। तो सर को अगर हमें रेमेडी देनी है तो उनको नंबर 6 की रेमेडी दे सकते हैं जिससे उनका कंप्लीशन होगा, क्योंकि सर के पास नंबर 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है अपनी ग्रिड में और जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे वो 6 है। तो अगर हम देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रेफरेंस से अगर हमें यहाँ पे 5 ऐड करना है नेम में तो हम ई एन एक्स और एच ये इनमें से कोई भी लेटर ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डबल एन कर देते हैं तो नंबर 6 पे चला जाएगा, उससे आप नेम की रेमेडी ले सकते हैं। आपके लास्ट नेम में आपके मिडल नेम में आप कहीं पे भी एक एन ऐड करके अपने नेम की रेमेडी ले सकते हैं। ये हमारा नेम रेमेडी का पार्ट है। जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं वो पीडीएफ में सेव नहीं होता, वो आपको एज एन एक्सपर्ट एडवाइस आपको टाइप करना होता है कंप्यूटर में, जो मैं आपको भी लास्ट में दिखाऊंगा, और अपने क्लाइंट को एज एन एक्सपर्ट एडवाइस देना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लकी प्रोफेशन। हमारे ड्राइवर और कंडक्टर के सेट के साथ कौन कौन से प्रोफेशन हमारे लिए लकी है वो सारे यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है लकी कलर्स एंड लकी डेज। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अवॉइड प्रोफेशंस, अवॉइड कलर्स, अवॉइड डेज। हमारे ड्राइवर और कंडक्टर मूलांक और भाग्यांक के सेट के साथ कौन कौन सा नंबर हमको कितना फेवरेबल है वो चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पर्सनल ईयर की डिटेल्स। पर्सनल ईयर हमें बताता है हमारे आगे आने वाले 9 साल कैसे रहेंगे। जो शुरू होता है 2021 से जो कि पर्सनल ईयर है 6 और खत्म होता है 2029 में जो कि है आपका पर्सनल ईयर 5। तो आपका 2021 से लेके 2029 तक के सारे प्रिडिक्शंस कि कैसे आपकी लाइफ रहेगी, किस किस तरीके से आपके चेंजेस आ सकते हैं, मेजर चेंजेस के बारे में आपको यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है पर्सनल मंथ एंड पर्सनल डे। अब हमारे पास रेमेडीज आ जाती हैं यहाँ पे। अब हम रेमेडीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको सारी रेमेडीज मिलती हैं कि किस तरीके से हम अपने नंबर्स को और बूस्टअप कर सकते हैं, वो हमें इंडियन वैदिक बूस्टर्स बताते हैं। यहाँ हर एक नंबर के लिए रेमेडी लिखी गई है जिस जिसकी आपको जरूरत है। नेक्स्ट है फेंग शुई रेमेडीज। और लास्ट में आता है एक्सपर्ट एडवाइस। ये जैसे कि आप एक्सपर्ट एडवाइस देख रहे हैं, एक्सपर्ट एडवाइस स्पेशली हमने कंसल्टेंट्स के लिए बनाया है। जो भी कंसल्टेंट अपने क्लाइंट को गाइड करना चाहते हैं कि उनको क्या करना है लाइफ में, कोई ऐसी चीज अलग से देना चाहते हैं जो पीडीएफ रिपोर्ट में मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे प्लस के साइन पे जा सकते हैं और जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो पीडीएफ में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सर के लिए अगर नेम रेमेडी डालू, फॉर नेम रेमेडी,
मैं यहाँ पे इसे सेव कर दूं तो ये सेव हो जाएगा। मैं चाहूं तो इसे एडिट भी कर सकता हूं और चेंज कर सकता हूं। तो हम यहाँ से बैक टू ग्रिड पे जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेव पीडीएफ का ऑप्शन है। जैसे ही हम सेव पीडीएफ पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक ओपन हो जाता है डायलॉग बॉक्स कि हमें कहाँ पे इसे सेव करना है। और हम इसको यहाँ पे अपने कंप्यूटर की लोकेशन खोल के सेव कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं पीडीएफ है आपके सामने जो भी हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई। इसमें टॉप में आपके क्लाइंट का नाम रहेगा जो कि सर का नाम है, यहाँ पे उनका जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ है जो हमने डिटेल्स में डाला। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कंसल्टेंट का नाम है बॉटम में, हर पेज के बॉटम में जिन कंसल्टेंट के नाम पे सॉफ्टवेयर रजिस्टर है या कोई और नाम आप डालना चाहते हैं वो तीनों चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। फर्स्ट पेज में हमारे पास डिटेल्स आ जाती है सारी, पंचलाइन, मूलांक, भाग्यांक, लक फैक्टर, नेम नंबर, कुआ नंबर, सभी प्लेन्स की डिटेल्स, ये सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाता है। फिर हमारे पास मूलांक की डिटेल्स आ जाती हैं, करीब 5 पेजेस का आपका मूलांक का डिटेल्स है। फिर भाग्यांक का यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलता है, 4 से 5 पेज इसका है। फिर मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी आपको मिलता है, एरोज ऑफ स्ट्रेंथ, शॉर्ट एरोज, एरोज ऑफ वीकनेस, मिसिंग नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स, नेम रेमेडी। नेम रेमेडी में यहाँ पे आपको जर्नल गाइडलाइन मिलेगी जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मैंने पहले दिखाई थी। उसके बाद लकी प्रोफेशंस एंड डेज एंड कलर्स, ये तीनों चीजें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है अवॉइड कलर्स, डेज एंड प्रोफेशन। उसके बाद पर्सनल ईयर्स की प्रेडिक्शन आ जाते हैं हमारे पास। पर्सनल मंथ एंड पर्सनल डे। फिर हमारे पास यहाँ पे यंत्र की रेमेडीज आ जाती हैं। कुछ यंत्र की रेमेडीज होती हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा मंगलम वास्तु का यंत्र होता है जो कि हम मिसिंग नंबर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, वास्तु दोष को भी क्योर करता है। आप सभी मेरे कैमरे में देख पा रहे होंगे मेरे पास एक यंत्र है अभी। आप सभी देख पा रहे हैं एक यंत्र है मेरे स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जो यंत्र है इसके पीछे हर एक नंबर के लिए एक डिफरेंट यंत्र होता है। हर एक नंबर के लिए एक डिफरेंट यंत्र होता है। जैसे कि ये नंबर 1 का यंत्र मेरे हाथ में है। इस नंबर 1 के यंत्र के लिए अगर नंबर 1 मिसिंग है तो हमें तब ये वहां पे प्लेस करना है। इसके पीछे हमें यहाँ पे 1 के पीछे फोटो लगानी होती है। फोटो का फेस अंदर की तरफ होना चाहिए और इसको फिर हम वास्तु के हिसाब से अगर नंबर 1 है तो हम इसको नॉर्थ में प्लेस करेंगे, अगर नंबर 3 है तो हम उसको ईस्ट में प्लेस करेंगे। ये हमारे यंत्र की रेमेडी होती है मिसिंग नंबर्स के लिए। वैसे यहाँ पे नंबर 4 के लिए आप रेमेडी देख सकते हैं, अलग यंत्र की होती है और नंबर 6 के लिए यहाँ पे अलग है। नेक्स्ट हमारे पास रेमेडीज आ जाती है वैदिक बूस्टर्स की और फेंग शुई रेमेडीज।
यहाँ पे अब लास्ट में हम देख सकते हैं हमारे पास एक्सपर्ट एडवाइस है। इस एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू भी हम अपने क्लाइंट को जो हम मैसेज कन्वे करना चाहे वो कर सकते हैं। सर मैं एक बार अपनी प्रेजेंटेशन ओवर कर लूं, फिर आप सभी के क्वेश्चंस मैं उसके बाद लूंगा। हो सकता है प्रेजेंटेशन के बीच में ही आप सभी के क्वेश्चन भी क्लियर आउट होते जाए। अब हमारे पास कुछ और फीचर्स और कुछ और फंक्शंस हैं सॉफ्टवेयर के, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप सभी देख सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के टॉप में होम स्क्रीन पे आपके पास कुछ बटन्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री आ जाती है सॉफ्टवेयर की। अप टू 200 एंट्रीज यहाँ पे हमारे पास सेव रहती हैं कि हम आपको अगर किसी क्लाइंट की एंट्री निकालनी है वो आप यहाँ से हिस्ट्री में से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रो मास्टर। एस्ट्रो मास्टर में जैसे कि आपने देखा हर एक पेज के बॉटम में मेरा नाम लिखा हुआ था एज एन कंसल्टेंट जय केशवानी का। अगर आप चाहे आप किसी और का नाम डालना चाहते हैं तो आप एड न्यू पे जाके उनकी डिटेल्स डाल सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टूल्स। टूल्स में हमारे पास कुछ कैलकुलेटर्स और कुछ फीचर्स आ जाते हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले नेम कैलकुलेटर आता है हमारे पास। नेम कैलकुलेटर में हमारे पास नेम कैलकुलेटर अवेलेबल है जैसे कि हमने अंदर देखा था। अगर हम वही नेम कैलकुलेटर बाहर देखना चाहें सॉफ्टवेयर में अंदर जाए बिना तो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम डालूंगा तो मेरे नाम का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने से हमारे पास मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी आती है। जैसे ही मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालूंगा उसकी न्यूमरोलॉजी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और इसकी मैं पीडीएफ बना के क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास सेव पीडीएफ का भी बटन है, ऐप से इसको सेव करेंगे और शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैच मेकर। मैच मेकर में हम किन्हीं भी दो पर्सन की लोशु ग्रिड के थ्रू कुंडली मिलाने का काम कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए शादी करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो, हम किन्हीं भी दो जनों का यहाँ पे मैच मेकिंग करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। कोई वॉलंटियर करना चाहेगा यहाँ पे? जी सर बताइए। तो मेरा और मिसेस का दू क्या जिससे पता चले? हाँ, जी सर बिल्कुल बता सकते हैं। गोकुल कांतिलाल रोनवाल। डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 1975 मेरा है। सीमा गोकुल रोनवाल। एट फेब्रुआरी 1978। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल्स डालते ही हमारे पास ग्रीन बटन एक्टिवेट हो गया है। हमारे पास जैसे ही ग्रीन बटन एक्टिवेट हो गया है हम यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे और हमारे पास रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर टू ड्राइवर कंपैटिबिलिटी हमारे पास 0% आती है क्योंकि ड्राइवर नंबर 2 और ड्राइवर नंबर 8 दोनों के अपोजिट होते हैं। कंडक्टर टू कंडक्टर हमारे पास कंपैटिबिलिटी 20% आती है कि यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर नंबर 5 और कंडक्टर नंबर 2 जो कि दोनों आपस में फ्रेंड हैं। कुआ नंबर 7 और कुआ नंबर 2 ये दोनों भी आपस में फ्रेंड होते हैं तो उसकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पे हमारे पास 10% आती है। अब हमारे पास यहाँ पे ग्रिड कंपैटिबिलिटी है। ग्रिड कंपैटिबिलिटी में हम देखते हैं यहाँ पे नंबर्स का ट्रांसफर जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। हमेशा नंबर का एक पेयर ट्रांसफर होना चाहिए तभी वो ग्रिड कंपैटिबिलिटी फुलफिल करता है। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सर की ग्रिड में नंबर 5 है और मैम की ग्रिड में नंबर 5 नहीं है, तो
अगर हम कहें कि सर की ग्रिड से नंबर 5 मैम की ग्रिड में जा रहा है पर ऐसा नहीं हो रहा है, वहां से रिटर्न में भी कुछ आना चाहिए तभी वो ग्रिड कंपैटिबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पे ग्रिड कंपैटिबिलिटी जीरो होने की वजह से टोटल कंपैटिबिलिटी 30% आई है। इस टोटल कंपैटिबिलिटी 30% के साथ आप अपने क्लाइंट को रिजल्ट दे सकते हैं और पीडीएफ सेव कर सकते हैं। पीडीएफ आप सेव करके इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज सिलेक्शन। पेज सिलेक्शन हमारे पास एक ऐसा मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर के अंदर, एक ऐसा फीचर्स है जैसे कि आपने अपनी सारे मॉड्यूल्स देखे रहे सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आप चाहें आप अपने क्लाइंट को कोई मॉड्यूल नहीं देना चाहते, अगर आपको कोई मॉड्यूल नहीं देना है जैसे कि आपको मिसिंग नंबर्स के बारे में नहीं बताना, एरोज ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताना, मूलांक के बारे में नहीं बताना या भाग्यांक के बारे में नहीं बताना, तो आप यहाँ से उसको अनटिक कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, वो चीज़ पीडीएफ में से रिमूव हो जाएगी और पीडीएफ में नहीं जाएगी। अब जिस भी चीज को यहाँ पे रिमूव करके सेव करेंगे वो यहाँ से हटता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पीडीएफ कवर्स आ जाते हैं, जिसमें कि हम वो पीडीएफ कवर पे हमें ये मिलता है कि हमारे पास जो गणेश जी की फोटो आपने देखी पीडीएफ के होम पेज पे, अगर आप चाहें आपको अपनी कंपनी का लोगो लगाना है या कुछ और फोटो लगानी है तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके पास टोटल 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है जो कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, इन सभी लैंग्वेजेस में आपको ये सॉफ्टवेयर मिलता है। टोटल 6 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिसमें बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी रहती है और बाकी कोई लैंग्वेज अगर आप ऐड करवाना चाहें तो वो एडिशनल रहती है। फिर आपके पास कुछ थीम्स ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें आप सॉफ्टवेयर के कलर पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप सभी के सामने न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास कई सारे फीचर्स हैं जैसे कि आपने देखे, और ये सॉफ्टवेयर आपका एंड्रॉइड फोन पे और विंडोज लैपटॉप या कंप्यूटर दोनों पे चलता है। अगर आप चाहें आप इसको फोन पे भी चला सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पे भी चला सकते हैं। जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग? जी सर, रिपीट नंबर 2 तक आपने बताया, अगर कोई कोई नंबर रिपीट 3 times आता है तो फिर रिपीट नंबर्स अप टू 7 times है। अगर आपकी ग्रेड में कोई नंबर 7 भी आता है तो भी ये रिजल्ट देगा। अच्छा, और फ्यूचर में अगर इसमें कुछ आप अपडेट करते हो तो वो हम तक कैसे पहुंचेंगे? सर, इसमें क्या होता है, ये टोटल ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर जब भी आप परचेस करेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए परचेस करेंगे। तो अगर आपको कोई आने वाला अपडेट हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब अब आने वाले 1 तक जब भी आप इसको परचेज करते हैं अगर कोई आपको अपडेट आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। 1 के बाद अगर इसमें कोई ऐसा मेजर अपडेट आता है तो आपसे कुछ मेंटेनेंस का चार्जेस हम चार्ज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको एक पेनड्राइव की फॉर्म में मिलता है। ओके, ये पेनड्राइव कुछ इस तरीके की होती है, जैसे मैंने अपने लैपटॉप से पेनड्राइव निकाल दी तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाएगा। जी, और ये पेन ड्राइव मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरे हाथ में पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव के अंदर यूएसबी भी है कंप्यूटर में लगाने के लिए, और इस पेन ड्राइव के अंदर सी टाइप भी है फोन में लगाने के लिए। ओके ओके, तो ये दोनों तरफ दोनों फोन डिवाइसेस में आपका इजीली लग जाता है। ओके, बढ़िया। और जैसे ही मैं इस पेन ड्राइव को वापस सॉफ्टवेयर के लिए लगाता हूँ अपने कंप्यूटर में तो ये वापस से चलना शुरू हो जाएगा। आप इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइस में इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप 4 फोन, 10 कंप्यूटर
अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिपोर्ट इससे निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है वन टाइम परचेज के बाद, पर आने वाले अगर 1 साल के बाद कोई मेंटेनेंस इसमें कुछ अपग्रेडेशन होता है तो हो सकता है हम आपसे मेंटेनेंस चार्ज चार्ज करें। ओके 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 थैंक यू। इसका कोई और क्वेश्चन? मैम आप सभी जिन जिनका आपका क्वेश्चन है आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको वन बाय वन अनम्यूट कर दूंगा। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर मोबाइल में कैसे यूज किया जाता है सर? क्या चीज सर? मोबाइल में कैसे यूज करेंगे इसको? सर मोबाइल में इसका एप्लीकेशन बन जाता है, मैं आपको अपने मोबाइल में दिखा देता हूँ। आप सभी देख सकते हैं मेरे मोबाइल में ये सेंटर में एक एप्लीकेशन है जिसमें एम लिखा हुआ है। एक एप्लीकेशन आपका बन जाएगा मोबाइल के अंदर, फिर आप जब भी इसको मोबाइल में पेन ड्राइव को लगाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। जैसे मैंने अपने रिमूव लैपटॉप से इसको रिमूव करा है पेन ड्राइव को, और मैं अपने कंप्यूटर फोन के लिए इसको चालू करूंगा यहाँ से, तो ये मेरे फोन में चालू हो जाएगा। पेन ड्राइव मैंने अपने फोन में लगाई, ये इसने एक्सेस मांगा, ओके करते ही ये फोन में चालू हो गया। जी सर, किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ सर, अग्रवाल बोल रहा हूँ मैं। जी सर, सर मुझे ये पूछना है कि अब ये सॉफ्टवेयर की वजह से मकान का, गाड़ी का नंबर, घर का कलर, स्वास्थ्य के बारे में, शादी के बारे में, तो ऐसी सब कुछ चीजें इसमें है क्या? और दूसरी बात, इस सॉफ्टवेयर के जरिए आपको ये पता लगेगा कि आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक का है। हाँ, और मूलांक और भाग्यांक के जरिए आप ये देख सकते हैं कि आपको गाड़ी का नंबर कौन सा फेवरेबल है, कौन सा फेवरेबल नहीं है। आप किस तरीके का नंबर ले सकते हैं, किस तरीके का नंबर आप नहीं ले सकते, वो चीजें आपको इससे पता लगेंगी। जो आपको यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की डिटेल्स पता लगती हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मूलांक की डिटेल्स में, आपके पास यहाँ पे आ जाता है गुड मैचेस, बैड मैचेस एंड एवरेज मैचेस। अगर आप बेस्ट मैच के हिसाब से चलें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन सा गाड़ी का नंबर लेना है, कौन सा आपको फोन का नंबर लेना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। लेकिन नए आदमी को हैंडलिंग करने को जरा तकलीफ तो नहीं होगी ना? सर सॉफ्टवेयर हमने बहुत फ्रेंडली बनाया है, काफी ज्यादा फ्रेंडली है। जैसे आप सिंपल फोन चलाते हैं, आपको सिर्फ वैसे ही फोन चलाना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई हमने आपको घुमा नहीं रखा, किसी को हमने इसमें उलझा नहीं रखा। सारे सारे बटन्स बहुत क्लियरली अवेलेबल है और सारे सारे फीचर्स बहुत क्लियरली है सामने सामने। शुरुआत में हमको आप गाइडिंग तो करेंगे ना? गाइडेंस शुरुआत में आपको चलाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या आप किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ओके 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 चलिए। किसी और का कोई क्वेश्चन? इसे स्टोन का भी पता चलता ना सर? इस चीज का सर स्टोन स्टोन कौन सा स्टोन? इसमें स्टोन का नहीं पता लगता, इसमें फेंगशुई के बारे में पता लगता है। अच्छा अच्छा कि कौन से क्रिस्टल्स हम पहन सकते हैं। नहीं नहीं ठीक है चलेगा। ओके थैंक यू सर। सर कार नंबर कैसे करेंगे?
मैम कार्ड नंबर के लिए क्या होता है ना, आपको कौन सी कलर की कार्ड लेनी है और क्या आपका मूलांक और भाग्यांक है, ये आपको देखना पड़ता है। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों 5 है तो आप किसी भी नंबर की कार्ड ले सकते हैं। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 2 और 5 है, जैसे कि हम यहाँ पे सर की ग्रिड में बात करें, तो हमें 5 नंबर सूट करेगा, 7 नंबर सूट करेगा, 2 नंबर सूट करेगा, इन सब कलर्स, इन सब नंबर्स के हम देख सकते हैं। वो हमारे पास लकी नंबर्स आते हैं यहाँ पे, लकी नंबर्स में भी अगर हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा। लकी कलर्स हैं और ये लकी डेज हैं, और लकी नंबर हमारे पास यहाँ पे आते हैं हमारे मूलांक पे और भाग्यांक में, तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके उससे कार्ड नंबर का नंबर निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास मूलांक की डिटेल्स में बेस्ट मैचेस अवेलेबल हैं और नेगेटिव मैचेस अवेलेबल हैं। आपको नेगेटिव मैचेस पे ना जाके आपको बेस्ट मैच पे जाना, तो आप यहाँ पे कार का नंबर निकाल सकते हैं। जी मैम, आपका क्या क्वेश्चन है? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन नहीं है। जय भाई, मैंने ये लिया हुआ है आपसे, हिमाली बोल रही हूँ। मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगी कि ये आपका सॉफ्टवेयर बहुत, मतलब बोलते ना, इट इज रियली ब्लेसिंग्स है, लेकिन जय भाई न्यूमरोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। अगर विदाउट लर्निंग अगर वो लोग कर लेंगे तो फायदा नहीं है। बाकी ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें, बट आपको जो मेन थंब रूल है वो आपको सीखना ही पड़ेगा। थंब रूल बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में है, तो इसके जो थंब रूल है, और हर किसी का अपना अपना है, अभी मतलब सब गुरुओं का अपने अपने थंब रूल है, तो वो सीखने के बाद ही ये बाकी जब भी आप न्यूमरोलॉजी सीखते हो तो जैसे अभी बोला जाता है कि वास्तु सीख रहे हो तो ऑरा स्कैनर होना चाहिए, तो सेम में न्यूमरोलॉजी सीखते हो तो बाद में ये ले लेना चाहिए। मैं सब बोलूंगी, सिर्फ यही मुझे बोलना था। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी मैम, अंजना मैम। या इसमें आपने बताया फेवरेबल नंबर 1357 है कार का नंबर, जैसे हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो टोटल ये होना चाहिए या कैसे? मैम कार के नंबर में बेसिकली क्या होता है, अगर हम किसी कार के नंबर में बात करें तो उसमें 3 तरीके की फिगर्स होती हैं। एक सबसे पहले उसमें स्टेट का कोड होता है, हमें वो कंसीडर नहीं करना होता, और उसके बाद उसमें डिस्ट्रिक्ट का कोड होता है, हमें वो भी कंसीडर नहीं करना होता, और उसके बाद हमारे पास सीरीज होती है 3rd नंबर पे, ABCD AA BB CC, इस तरीके से करके हमें वो भी कंसीडर नहीं करना होता। जो हमारे लास्ट के 4 डिजिट्स हैं, हमें उसका सम कंसीडर करना होता है। ओके। अगर आपकी कार का नंबर 4×1 है तो आपकी कार का टोटल नंबर 4 आता है। अगर आपकी कार का नंबर 1, 2, 3, 4 है तो उसमें 7+2+1 टोटल 10 आएगा, जो कि 1 पे हो जाएगा। ओके। जी सर अग्रवाल सर मुझे एक पूछना कि आपने को मूल्यांकों को भी जोर देना चाहिए या भाग्यांक को? अगर कोई गाड़ी लेना है तो किसको एक्सेप्ट? दोनों को जोर देना है, दोनों को जोर देना है, फिर अलग अलग रहेगा तो मूल्यांक 3 और भाग्यांक। मूल्यांक अगर जैसे हमारा यहाँ पे 2 है और भाग्यांक हमारा 5 है, तो 2 के कई सारे दुश्मन होते हैं और 5 का कोई भी दुश्मन नहीं होता। तो जो हमारे यहाँ पे 2 के पॉजिटिव नंबर है उनको हम ले सकते हैं। तो आप लोग इसमें पता चल सकता है क्या अपने सॉफ्टवेयर में? बिल्कुल पता चल सकता है सर। देखिए कार का नंबर लेने के लिए अगर आपको मैं बताऊं, हमें यहाँ पे मूलांक जाना है, मूलांक की डिटेल्स में जाना है, और यहाँ पे हमें देखना है बेस्ट मैचेस में। यहाँ पे आपके पास बेस्ट मैचेस में सारे नंबर लिखे हैं 1, 3, 5, 2, 7। ओके ओके। और वैसे ही आपको जाना है अगला भाग्यांक में, भाग्यांक के अंदर भी आपके पास बेस्ट मैचेस लिखे हैं 1, 5 और 6। तो आपके पास 1 और 5 यहाँ पे कॉमन हो गया अब दोनों नंबर का। इसके साथ बेस्ट मैच के नीचे आपके पास गुड मैचेस भी लिखे हैं,
एक और पांच नंबर की गाड़ी बहुत बढ़िया रहेगी, और अगर गाड़ी 3, 4, 8, 7 और 9 और 2 की हो तो वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि 5 नंबर का कोई भी दुश्मन नहीं होता। छह नंबर का कोई दुश्मन होता है क्या? सर अलग अलग होता है, वो जब डिटेल्स निकालेंगे सब कुछ आपको मिलता जाएगा। ओके ओके जी, थैंक यू। जी सर, सर ये जो यंत्र लगाने के लिए बताया आपने मिसिंग नंबर के लिए, जी जी, तो सर ये ईस्ट जोन में लगाना या ईस्ट वॉल पे रूम के भी लगा सकते हैं कैसे? सर आप ईस्ट जोन में लगाएंगे इसको, आप इसको फॉल सीलिंग के अंदर भी रख सकते हैं, आप इसको अलमीरा के ऊपर भी रख सकते हैं, आप इसको अलमीरा के नीचे अगर थोड़ी स्पेस है आप वहां पे भी रख सकते हैं, पर आपको लगाना जोन के अंदर है, वॉल पे नहीं लगाना। तो दिखता हुआ होना चाहिए सर? दिखता हुआ होना चाहिए, उसको हवा मिलती रहनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। जी चित्रा मैम, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी सर। जी मैम। Sir, actually last 3 days there were some rituals in our house, so I just couldn't attend the last 3 classes for aura scanner. तो मैंने miss कर दिया sir कि या numerology actually last में. And you can check on the YouTube. All 3 classes are available on the YouTube. Okay. All 3 recent classes are loaded on a daily basis, so you can check there also. You can have a look on that. Even after that, if you face any issue, you can call. Okay, sir, more classes are left or this is the last class of our this training? I think more classes are left. Okay. About the classes, you will get the information tomorrow. Okay, sir, one more query I have. Actually, my parcel may be couriered from their aura scanner for Bhopal. But still, I did not receive it. So, wo information from where I get... you can WhatsApp me on the date which you have ordered. Okay. So we will have a look and track the courier down. Okay. In the same WhatsApp group? Yeah, in the you can message us personally. So we will have a closer to that. Okay, sir. So may I have your number, please? Yes, ma'am. It's okay. I am leaving my number here. Aap sabhi note kar sakte hain mera number. 8273431122 sir, can you please type in the chat box, please? Sure, ma'am. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. जी सर, जैसे आपने मिसिंग नंबर के लिए कुछ रेमेडी बताए या मोबाइल का जो नंबर आता है, अभी जो आपने मैच मेकिंग देखा उसमें अगर कुछ कम ज्यादा कंपेबिलिटी जो दिखा रहा था, तो उसके हिसाब से हम इसको क्लाइंट को क्या रेमेडीज दे सकते हैं? सर मैच मेकिंग में हमें बेसिकली रेमेडी नहीं देनी होती। अच्छा, मैच मेकिंग में हमें एडवाइस देनी होती है। ओके, कि दो जने अगर आपके पास पार्टनरशिप के लिए आए हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, किसी भी तरीके की अगर आपके पास कोई एडवाइस के लिए आया है, तो आपको ये बताना होता है कि एक दूसरे के लिए दोनों पर्सन कितने फ्रूटफुल है, कौन कितना दे सकता है और कौन कितना रिसीव कर सकता है, इसमें क्या रेशो है, ये चीज आपको बतानी होती है मैच मेकिंग से। ओके, और एक इंडिविजुअल को क्या रेमेडी देनी है वो आप उनकी इंडिविजुअल रिपोर्ट से दे सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? ये सॉफ्टवेयर आप सभी को एक
स्टूडेंट डिस्काउंट में 7,700 रुपीज का मिलता है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, और उसके अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज ऐड करवानी हो, गुजराती, मराठी, बंगाली और पंजाबी, चारों लैंग्वेजेस आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल रहती है, पर लैंग्वेज आपको 1,000 रुपीज का चार्ज होता है जिसके थ्रू आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो ये हमारा न्यूमरोलॉजी सॉल्यूशन के लिए क्लास था सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। जी सर, अग्रवाल सर प्लीज अनम्यूट करिए। फ्लैट पिरामिड रखना है कि दीवार पे लगाना चाहिए जोन में? सर फ्लैट रखना है तो वो ज्यादा अच्छा वर्क करता है। तो दीवार पे टंगाने से अपने को ज्यादा रिजल्ट नहीं आता क्या उसका? सर दीवार को टंगाने में बेसिकली क्या होता है, हमें इसमें जब हम पिरामिड रखते हैं कहीं पे भी, तो हमें नॉर्थ और साउथ को 0 और 180 डिग्री पे मिलाना होता है। तो अगर आप इसको दीवार पे टांगेंगे तो आप वो काम नहीं कर सकते। जब तक आप उसको नॉर्थ और साउथ को 0 और 180 डिग्री से मैच करके सही पोजीशन में नहीं रखेंगे, तब तक वो 100% एफिशिएंसी से वर्क नहीं करेगा। ओके 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 जी, थैंक यू सर। थैंक यू। तो आज हम सेशन को क्लोज करते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन हो या कुछ कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और बाकी हम कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग।